सब हमने अभी तक पढ़ा है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है वान डी ग्राफ जनित्र की। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है और वान डी ग्राफ जनित्र कैसे बना, किसने इसको बनाया, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसको हमें जानना है। वास्तव में क्या है कि ये जो वान डी ग्राफ जनित्र आपको दिखाई दे रहा है या उसका जो एक मैंने चित्र बनाया है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी चित्र है, तो ये वाला जो चित्र है ये आपको वान डी ग्राफ जनित्र को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें वान डी ग्राफ जनित्र जो होता है वो स्थिर वैद्युत जनरेटर होता है। देखिए, जनित्र को अंग्रेजी में बोलते हैं जनरेटर। तो चलिए, ओके, लेट वी स्टार्ट। वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनरेटर, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये जनरेटर है या जनित्र है। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि देखिए यहां पर ये एक बेल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी स्ट्रक्चर आपको पूरी विधिवत समझाऊंगा। इसमें क्या है कि एक बेल्ट की मदद से ये जो आपको दिख रहा है ये दो घिरनियां है ना, और इन पर ये बेल्ट चल रहा है। तो इस बेल्ट की मदद से क्या करते हैं कि ये जो खोखला गोला यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हरे में आप देखिए यहां एक खोखला गोला है ना, तो इस खोखले गोले पर आवेश को इकट्ठा किया जाता है या एकत्र किया, और इसका साइक्लोट्रॉन जब तक नहीं आया तब तक इसका खूब उपयोग हुआ है ना। आजकल भी उपयोग होता है पर बहुत कम उपयोग इसका होता है। आजकल नाभिकी खोजों में या न्यूक्लियर मेडिसिन में जो एक्सरे भी में उसके लिए और साथ में ऊर्जा कणों को त्वरित करने में इसका उपयोग होता है। पहला जो वान डी ग्राफ जनित्र बना था, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं आपको, फर्स्ट जो वान डी ग्राफ जनित्र बना था वो वान डी ग्राफ जनित्र जो था वो एक ऑर्डिनरी टीन की जो कैन है ना, अपना जो ये जैसे आपके जो टीन आते हैं ना थम्सअप कोको कोला वगैरह की, उस टाइप की टीन की कैन में जो है बनाया था, और उसमें मोटर और सिल्क का रिबिन लगा दिया था। और बाद में तो बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे, मतलब 1.5 मिलियन वोल्ट तक का भी बनाने लगे है ना। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बना था, तो बाद में क्या हुआ कि जो इनको जब आर्थिक मदद मिलना शुरू हुई तो 40 फीट तक का एक मॉडल इन्होंने इसको लेकर बनाया था। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा बाद में। 1937 में 60 फीट मॉडल भी बाद में बन गया था। तो ये एक्चुअल क्या है कि ये एक ऐसी कह सकते हैं एक विद्युत उत्पादक मशीन है ना, जो स्थिर विद्युत चार्ज को उत्पन्न करती है ना, स्थिर विद्युत आवेश। तो ये एक ऐसी मशीन है जो कुछ मिलियन वोल्ट कोटि की वोल्टता को उत्पन्न कर सकती है। मतलब आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र को बनाना और स्थिर विद्युत विभवांतर उत्पन्न करना, और कितना मिलियन वोल्ट की कोटि का विभवांतर या वोल्टता को ये उत्पन्न कर सकती है, कौन, वान डी ग्राफ जनित्र है ना। तो अब बड़ा भारी, मतलब इतना ज्यादा, इतनी वोल्टता को ये उत्पन्न कर सकता है ना, तो इसका उपयोग भी बहुत अच्छा हो रहा होगा है ना। तो इसको एक्चुअली क्या होता है कि जरूरत जहां जहां उच्च वोल्टता की पड़ती है तो वहां यूज कर लेते हैं, और साथ में जो आवेशित कण है जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आयन्स है, उनको त्वरित करके है ना, उनको क्या करते हैं ऊर्जा प्रदान करने के लिए है ना, ताकि उनकी एनर्जी में और ज्यादा क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, इसके लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये पार्टिकल एस्केलेटर है, मतलब आप कणों को त्वरित करने में इसका उपयोग होता है। आजकल उसके लिए साइक्लोट्रॉन का ज्यादा यूज होता है, या साइक्लोट्रॉन के यूज के बाद इसका थोड़ा यूज कम हुआ। अभी तो बहुत सारे पार्टिकल एस्केलेटर आ गए, बहुत सारे कण त्वरित आ गए, लेकिन पहले तो चूंकि शुरुआत वान डी ग्राफ ने की थी इसको लेकर, तो ये नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और ये एक पुराना, जिसको कहते हैं एक जनरेटर है, एक ओल्ड टाइप जनरेटर है, जिसने नए जनरेटरों के लिए रास्ता खोला था। तो ये वान डी ग्राफ जनित्र है, सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन है, स्थिर विद्युत उत्पन्न करती है जो मिलियन वोल्ट की कोटि का वोल्टता उत्पन्न कर सकती है। और साथ में क्या काम है कि ये उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के साथ साथ इसका जो यूज है वो, इसका जो उपयोग है वो हम कह सकते हैं कि ये आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित करके उनकी ऊर्जा वृद्धि में भी इसका यूज होता है, और नाभिकीय भौतिकी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेगा। तो जब भी आपसे वान डी ग्राफ जनरेटर पूछा जाए तो आप उसकी डेफिनेशन लिखिएगा कि एक ऐसी मशीन है जो कुछ मिलियन वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न कर सकती है, और जो ये आपका जो स्थिर वैद्युत जनरेटर है, क्या है ये, स्थिर वैद्युत जनरेटर है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कौन सा जनरेटर है, स्थिर वैद्युत जनरेटर है, ओके। और उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के साथ साथ इसका उपयोग
आवेशित कणों को जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयंस को त्वरित करके उनकी ऊर्जा वृद्धि में भी होता है और नाभिकीय भौतिकी में भी इसका अध्ययन उपयोगी है। तो चलिए लेट वी सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, मतलब वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या सिद्धांत है, इसको हम देखेंगे कि ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, कि वान डी ग्राफ जनरेटर का एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है, क्या इसका सिद्धांत है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो सिद्धांत है उसके अंदर ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी खोखले चालक को, जैसे यहां आपको ये हरा जो आपको एक खोखला चालक दिखाई दे रहा है, ये यहां पर देखिए, इसको पूरा समझाऊंगा मैं आपको, पहले आप इसको देखिए। ये जो आपको यहां पर ये गोला दिखाई दे रहा है, बड़ा गोला, ये यहां पर देखिए, ये आपका क्या है, खोखला गोली कोश है। तो इस जब भी आप किसी खोखले चालक को आवेश देते हैं किसी भी तरीके से, जैसे यहां से आपने इसको आवेश दे दिया, तो ये आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर एक बड़े गोलीय चालक या खोल के भीतर, मान लीजिए एक बड़ा चालक है और उसके भीतर आपने अगर एक छोटा सा केंद्रीय गोला रख दिया, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बड़े गोले पर आप कितना भी आवेश संचित क्यों ना कर लें, और यदि वह धनात्मक भी है आवेश सारा का सारा यहां अगर आपने एकत्र कर लिया है, तब भी भीतर वाला गोला हमेशा उच्च विभव पर रहेगा और वो आवेश को बाहर वाले गोले को ट्रांसफर करता रहेगा। फिर से सुनिएगा, अगर आपके पास दो गोले हैं, मैं भी समझाऊंगा इसको लेकर, अगर आपके पास दो गोले हैं, एक बाहर है और एक भीतर है, दो गोले मान लीजिए आपके पास, तो बड़े गोले पर कितना भी आवेश आ जाए, कितना भी धनात्मक आवेश आ जाए, याद रखना तब भी जो अंदर वाला गोला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, उच्च विभव पर रहेगा और वो बड़े गोले को आवेश को क्या करता रहेगा, ट्रांसफर करता रहेगा। ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि गोले के अंदर अगर गोला हुआ या गोले के पास में अगर गोला हुआ सिस्टम के अंदर, तो वो आप क्या करेंगे उसको, वो दूसरे बड़े गोले को क्या कर देगा, आवेश को ट्रांसफर करता रहेगा, मतलब अंदर वाले गोले पर हमेशा क्या होगा, उच्च विभव होगा, ये याद रखना। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हैं, तो वो उसका जो नुकीला सिरा होता है ना, नुकीले सिरा जो होता है उस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया वहां पर क्या होता है, वो एरिया वहां पर कम हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है। तो नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है, एक ये भी इसकी सैद्धांतिक बात है। तो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं सिद्धांत के रूप में, कि खोखले चालक को दिया गया पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, एक बात देखिए यहां पर ये बाहरी पृष्ठ पर है, दूसरी बात एक बड़े अगर आप गोलीय चालक या गोले को लेते हैं या खोल को लेते हैं और उसके अंदर एक छोटा चालक है, तो बड़े चालक पर कितना भी धनात्मक विभव हो, है ना, याद रखना, कितना भी आवेश संचित क्यों ना हो जाए, छोटे गोले से बड़े गोले को हमेशा क्या होगा, आवेश मिलता रहेगा, क्योंकि छोटे गोले का विभव ज्यादा रहेगा और बड़े गोले का विभव उसकी तुलना में कम रहेगा, और हमें पता है कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंदर वाला गोला हमेशा क्या रहेगा, उच्च विभव पर रहेगा, और इसी कारण अंदर वाले गोले से आवेश क्या होता है, बाहर वाले गोले को ट्रांसफर होता रहेगा। और साथ में एक और बात है कि नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है। तीन सैद्धांतिक बातें आप दिमाग में रखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए अभी हमारे पास मान लीजिए ये यहां पर, देखिए यहां पर इसी बात को मैं कहने जा रहा हूं कि देखिए दो गोले हैं, मान लीजिए एक ये बड़ा गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का, एक ये छोटा गोला है स्मॉल आर त्रिज्या का, ठीक है। ये बड़े गोले के आवेश पे यहां इस तरह से देखिए उसको दिया गया आवेश बाहरी पृष्ठ पर, ये प्लस कैपिटल क्यू, और ये छोटे गोले के आवेश को हमने लिखाया है प्लस स्मॉल क्यू। अब आप यहां अगर त्रिज्या की बात करें तो बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, बहुत बड़े थोड़ा सा बड़ा करके इसको एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है। मैंने आपको इसको शॉर्ट रूप में बताया क्योंकि आपको सैद्धांतिक रूप से एग्जाम में लिखना है, और जब आप इसका सिद्धांत एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आप इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे, है ना, तो उसको शॉर्ट करके कैसे लिखना है ये आपको मैंने सिखाया है। तो एक बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे गोले की त्रिज्या अगर स्मॉल आर हो, तो दोनों गोलों के बीच जो विभवांतर होगा, है ना, मतलब
किस पर विभव ज्यादा होगा? छोटे गोले पर विभव ज्यादा होगा, बड़े गोले पर विभव कम होगा, और उनके जो बीच का विभव का जो अंतर होगा वो अंतर होगा क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपान स्मॉल आर माइनस वन अपान कैपिटल आर। मत और इन गोलों के बीच में अगर आपने निर्वात लिया हुआ है तो ये निर्वात की विद्युतशीलता होगी एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां से आप बताना कि जो छोटा गोला है उस पर विभव ज्यादा है, बड़े गोले पर विभव कम है, और ये उनके बीच का विभव अंतर है। ठीक है, ये छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो ये विभवांतर आपको ये आपको सैद्धांतिक रूप से बताना पड़ेगा, लिखकर दो गोले बनाकर ऐसे त्रिज्या वगैरह बनाकर एक सिद्धांत आपको देना पड़ेगा कि जो छोटा गोला है उस छोटे गोले पर विभव क्या है, ज्यादा है। और अब इस विभव के अंतर के कारण आवेश जो है वो छोटे गोले से कहां ट्रांसफर होगा, बड़े गोले पर ट्रांसफर होगा। अगर आपने ये सिद्धांत लिख दिया आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपकी एक कंप्लीट समझ भी बनेगी इसको लेकर, है ना। केवल रटने से काम नहीं चलेगा कि छोटे गोले पर विभव ज्यादा है, बड़े गोले पर विभव कम है, विभव का अंतर हुआ तो विभवांतर हुआ, और हमें पता है कि आवेश अधिक विभव से कम विभव पर जाता है तो छोटे गोले से बड़े गोले पर जाएगा। लेकिन आप बता भी दीजिए उसको कि छोटे गोले की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है ना, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर, तो उसके आवेश को कैपिटल क्यू ले लिया, वो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैलेगा, इसके आवेश को आपने स्मॉल क्यू ले लिया, और फिर आप इसको जब लिखेंगे तो आपके लिए ये हो जाएगा कि इनके बीच का आप विभवांतर का फार्मूला लिख दीजिएगा और कहिएगा इतना विभवांतर इनके बीच में होता है और इसी के कारण आवेश जो है वो छोटे गोले से बड़े गोले को ट्रांसफर होता है। अभी तक मैंने आपको इसके बारे में अभी इसकी जो वो जो इसकी बनावट और कार्य विधि है उसके बारे में अभी तक मैंने आपको इसको नहीं बताया, मैं आगे लेकर इसको जा रहा हूं। आगे बढ़े देखिएगा, अब समझिएगा कि वान डी ग्राफ जनित्र की जो स्ट्रक्चर है या रचना है वो किस तरह की होती है। सिद्धांतिक बातें हमने समझ ली, अब हम इसकी रचना के ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये यहां मैंने एक इसमें इस तरीके से एक विद्युत रोधी स्तंभ बनाया है, कई मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ होते हैं इसमें, तो ये आपके विद्युत रोधी मैंने स्तंभ खड़े कर दिए दो, है ना। तो ये हो गए हमारे, क्या नाम देंगे इनको हम, विद्युत रोधी स्तंभ। तो इसमें कई मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ इस तरीके से है, ये विद्युत रोधी स्तंभ है, और इसी के ऊपर जो हम कह रहे थे ना कि वो जो बड़ा गोला है या जिसको हम कह रहे हैं एक चालक खोल या कोश, उसको संभालने का काम ये विद्युत रोधी स्तंभ करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ बीचों बीच में विद्युत रोधी स्तंभ बनाएंगे, विद्युत रोधी स्तंभ बनाने के बाद उस पर ये आपका जो गोलीय कोश या खोल है, चालक खोल, उसको आप इसके ऊपर गोलीय चालक खोल को टिका देंगे, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत रोधी स्तंभ हो गए, और इस पर ये गोलीय चालक खोल या कोश को आपने टिका दिया। तो क्या कहा हमने कि इसमें कई मीटर ऊंचे ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ का शेप होता है, ये दो इस तरीके से आप बना दीजिएगा, जो एक विशाल चालक खोल या कोश को संभाल कर रखता है, और ये खोल या कोश का भी व्यास जो है ना वो कई मीटर व्यास का है, ये भी है ना, मतलब 5-7 मीटर आप मान सकते हैं। तो इतना है ना, अलग अलग जनरेटर में ये अलग अलग रहा है, लेकिन ये अगर मान लीजिए हम कहें तो कई इसका भी व्यास जो है वो कई मीटर व्यास का ये होता है। तो आपने दो बातें सीख ली कि विद्युत रोधी स्तंभ पर ये गोली चालक या खोल जिसको हम कह रहे हैं या कोश टिका हुआ है। अब तीसरी बात, इसमें दो घिरनियां है, क्या है, दो घिरनियां, एक घिरनी इसमें ऊपर की ओर रहेगी इस तरीके से, ये ऊपर की ओर की घिरनी हो गई, ये घिरनी हो गई एक ऊपर, और एक घिरनी रहेगी या नीचे आधार की ओर, मतलब दो घिरनियां है, एक घिरनी इस खोल के केंद्र पर रखना है आपको इस तरीके से, ये जो खोल बना ना इसके केंद्र पर एक घिरनी आएगी, जो मैं बात कर रहा था बड़ा गोला छोटा गोला, तो ये घिरनी इसके केंद्र पर आप लेकर रखना है ना, और दूसरी घिरनी को आप बनाना ग्राउंड की तरफ। तो ये आपकी क्या हो गई, एक घिरनी हो गई, और दूसरी घिरनी आप या नीचे ग्राउंड की तरफ बना देना, तो ये आपकी दूसरी घिरनी हो जाएगी बेस की तरफ जिसको हम कह रहे हैं, ये दूसरी घिरनी आपकी हो जाएगी। और मजेदार बात क्या है कि इस घिरनी को आपको मोटर की मदद से घुमाना है, ठीक है, ये घिरनी को आपको घुमाना है। अब जैसे साइकिल के अंदर क्या होता है, साइकिल के अंदर दो पहिए होते हैं तो बीच में क्या होती है, चेन होती है। तो आप क्या करते हैं कि वो आप क्या करेंगे उसको, अगर मान लीजिए यहां पर इसको आप किसी मोटर की मदद से घुमाएं या पेडल की मदद से घुमाएं तो ये वाला पहिया भी घूमेगा ना, तो इसके लिए फिर इसमें क्या करते हैं, एक रबर या रेशम या विद्युत रोधी पदार्थ का एक लंबा बेल्ट या पट्टा लगा देते हैं। तो वो लगा दीजिए, पट्टा लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया हमारा नीले कलर का ये विद्युत रोधी पट्टा है,
ये विद्युत रोधी पट्टा है। अब ये काम क्या करेगा, ये क्या करेगा, नीचे से आवेश लाएगा और ऊपर लाकर देगा, तो इसको आवेश को लाने का काम करेगा, ठीक है। और ये घिरनियों पर ये पट्टा घूमेगा, क्लियर है। घिरनियां धातु की है, धातु की घिरनियां है, और ये धातु की घिरनियों पर विद्युत रोधी पदार्थ रबर या रेशम का बेल्ट है, ठीक है, क्लियर है। और ये बेल्ट या पट्टा जिसको आप कहते हैं, और ये यहां से कहीं से आवेश लाएगा और यहां लाकर इसको देगा, ये आपको समझना है, ये आपकी इसकी वर्किंग में जब आएंगे तब इस बात को समझेंगे। और पट्टा क्यों लगाया, पट्टा एक्चुअली दो कारणों से लगाया, एक तो क्या है, दोनों घिरनियों की कनेक्टिविटी करेगा ये पट्टा, और दूसरी बात ये पट्टा आवेश को लेकर जाएगा, क्योंकि ये विद्युत रोधी पदार्थ का है, रबर या रेशम का है, तो अपनी सरफेस पर चार्ज को लेकर आगे बढ़ जाएगा, इसलिए लगाया है, ठीक है। और ये ऊपर आपका गोली चालक या खोल हो गया, और ये जो घिरनी है ये आपकी दूसरा जो है आपके चालक का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और बात जो है वो है, यहां देखिए नीचे की तरफ, यहां बेस में देखिए, ये यहां इस जगह, ये क्या है एक्चुअली, ये यहां इस बेल्ट को धनावेश देने की एक युक्ति बनाई गई है, एक डिवाइस तैयार की जा रही है, जो कि एक धात्विक ब्रश है जो स्रोत से आवेश लेता है। स्रोत मतलब एक उच्च तनाव की कोई बैटरी होगी, और उच्च तनाव बैटरी का जब आप धन सिरा यहां लगा देंगे तो वो एक सोर्स का काम करेगी, उस सोर्स से ही आवेश, आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो चित्र दिया है वही मैं बना रहा हूं, है ना, तो यहां मैं सोर्स नहीं बना रहा हूं, है ना, लेकिन आप समझिए यहां पर एक सोर्स होगा, हाई टेंशन बैटरी होगी, उच्च तनाव बैटरी, और उसके धन सिरे से इसका संबंध करेंगे तो ये एक स्रोत के रूप में काम करेगा, इस स्रोत से आवेश इस बेल्ट पर आएगा। तो ये क्या है, एक धात्विक ब्रश है जो क्या करता है, ये धात्विक ब्रश है जो स्रोत से आवेश लेता है, और इसके सिरे नुकीले होते हैं, तो जब ये स्रोत से आवेश लेगा तो उसके, मैंने अभी कहा था सिद्धांत में कि नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है, तो यहां से एक वैद्युत पवन चलेगा, और ये जो आवेश है ना, ये वायु के कणों का प्रतिकर्षण लेते हुए ये बेल्ट के ऊपर जो है आवेश सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, जो है ये आपको बेल्ट के ऊपर ये चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये घिरनी घूमेगी और ये बेल्ट ऊपर चढ़ेगा तो उसके साथ साथ सहारे सहारे से ये आपका जो है विद्युत रोधी बेल्ट के ऊपर ये आवेश भी क्या होंगे, ऊपर की ओर जाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा, ये धात्विक ब्रश है जो स्रोत से आवेश को लेता है, ठीक है। ऊपर की तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे, एक ब्रश हम यहां देखिए यहां लगा रहे हैं, और ये वाला जो ब्रश है ये क्या करेगा, ये भी एक धात्विक ब्रश है, और ये आवेश को क्या करेगा, इस गोले छोटे गोले से बड़े गोले पर ट्रांसफर करने का काम करेगा, ठीक है। यहां भी प्रेरण की घटना होगी, ठीक है। तो जो धनावेश यहां से यहां तक आता जाएगा वो यहां आकर समाप्त हो जाएगा, और ये प्रेरित धनावेश जो है वो बड़े गोले पर ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये धात्विक, देखिए अब तो इसका मतलब ये हुआ कि एक धात्विक ब्रश तो यहां से ले लिया आपने जो स्रोत से आवेश को लेगा, और दूसरा धात्विक ब्रश आपने यहां लगा दिया जो इस घिरनी से आवेश को यहां ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो निचली घिरनी है इसको हमने क्या कहा, इसको हमने, इससे एक मोटर जुड़ी रहेगी जिससे इसको घुमाएंगे, और ये पट्टा क्या करेगा, आवेश को नीचे से ऊपर ले जाएगा, और ये आपका ये आर त्रिज्या का बड़ा गोला हो गया, और ये छोटी आर त्रिज्या का छोटा गोला हो गया। अभी जो मैंने आपको बात समझाई थी वो ये पूरी बात मैंने आपको समझा दी। अब हम आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है। अब यहां जो हमने बात की वो ये है कि ये जो धात्विक ब्रश है ना, अभी इसको अगर आप कहें तो ये एक्चुअली स्प्रेइंग ब्रश है ना, स्प्रेइंग कॉम भी यूज कर सकते हैं, फुहार कंघी स्प्रेइंग कॉम, या आप धात्विक ब्रश कह रहे हैं तो ये भी स्प्रेइंग कॉम स्प्रेइंग ब्रश है, मतलब ये आवेश को स्प्रे करेगा, है ना, फुहार के रूप में छोड़ता है, यूं कहें अपन सरल शब्दों में। तो ये क्यों छोड़ता है, क्योंकि एचटी हाई टेंशन बैटरी या उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से इसका संबंध कर देते हैं, और आवेश इसके नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है, तो ये ब्रश जो है वो ये, अब ये ब्रश और ये जो विद्युत रोधी पट्टा है इसके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो जो कोश है ना, उसको रेगुलर आवेश को आवेश ट्रांसफर होता रहेगा, ये पूरा इसका एक मैकेनिज्म है। अब होता क्या है इसको हम देखें, यहां से क्या होगा कि ये आपका ये धनावेश आया, ठीक है, ये आवेश इस बेल्ट के सारे 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 से कहां आएगा, यहां आएगा, यहां प्रेरण की घटना होगी, और फिर क्या होगा कि ये जो आवेश है वो इस छोटे गोले से बड़े गोले को कंटिन्यू ट्रांसफर होता रहेगा, और इस बड़े गोलीय चालक खोल या कोश पर आवेश क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, लाइक दैट। अब देखिए, और नीचे की तरफ इस चित्र को जब आप पूरा करेंगे तो यहां पर आप क्या करिएगा, नीचे की तरफ एक स्टैंड टाइप आप बनाएंगे, और ये भू संपर्कित धातु आधार के रूप में इसको बनाकर कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये भू संपर्कित धातु आधार हो गया,
और ये आपका पूरा पूरा वान डी ग्राफ जनरेटर का चित्र कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं वर्किंग और इसकी बची है उसको मैं बता दूं ताकि फिर आप इसको आगे अपन लेकर जा सकें। ओके, अब जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा वो है ना वो इस अर्थ के सापेक्ष होगा या अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा। चलिए ओके, तो यहां से आपने क्या किया, स्रोत से धात्विक ब्रश ने आवेश लिया और पट्टे के सहारे सहारे देखिए अब ये पट्टा किधर जा रहा है, बेल्ट ऊपर जा रहा है, तीर का निशान देखिए, तो इसके सहारे सहारे से और इधर से बेल्ट घूमकर किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये इस तरीके से बेल्ट ऊपर जाएगा और इधर ये इस तरीके से बेल्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ओके, और ये आवेश क्या होंगे, यहां से यहां ऊपर चलते चले जाएंगे, देखिए आप ये आवेश आपका चलते चले गए और यहां से फिर ये आवेश क्या किधर ट्रांसफर होंगे, देखिए गोले पर मैं आवेश को ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको देखिएगा ये आवेश इस गोले के ऊपर पूरा आवेश क्या होगा, ये गोले पर आवेश का क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका चित्र है ये आपका वान डी ग्राफ जनरेटर का आपका रेडी चित्र हो गया। इसको अगर आपने एग्जाम में बना दिया आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये वाले चित्र को आप अवश्य बनाइएगा परीक्षा में और इसकी बात को आप समझ गए कि ये धात्विक ब्रश स्रोत से आवेश को लेगा, पट्टा उस आवेश को लेकर ऊपर जाएगा और ये वाला जो आपका रबर या रेशम के बेल्ट से जो ये घिरनी आपकी यहाँ है इससे आपका आवेश जो है वो क्या होगा, इस गोली चालक खोल या कोष पर जाता जाएगा और इस पर लगातार आवेश क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, जो मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर पाएगा। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। हमने एक बार एक छोटा वान डी ग्राफ जनरेटर बनाया था तो आप एक बहुत छोटा या स्मॉल वान डी ग्राफ जनरेटर बना भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़े, तो हमने जो सीखा वो ये है कि स्रोत से जो आपका जो सोर्स से जुड़ा हुआ जो धात्विक ब्रश है वो सोर्स से आवेश को लेगा और इस ब्रश द्वारा, ये कार्यविधि अगर आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो इस तरीके से लिखिएगा, तो ये जो ब्रश द्वारा विद्युत रोधी पट्टे पर स्प्रे होता है और ये पट्टा या रबर या रेशम का जो बेल्ट या पट्टा है ये आवेश को कहां लेकर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। ऊपर जाकर ये पट्टा क्या करेगा, अपने आवेश को दूसरे चालक ब्रश को देगा, ये इस ब्रश को दे दिया और ये चालक ब्रश से धनावेश खोल पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, ये प्रेरण की घटना से होता है और ये बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से इस तरीके से फैल जाएगा। क्लियर हुआ, तो क्या किया हमने कि स्रोत से नीचे से लगे धात्विक ब्रश से क्या हो गया, आवेश प्राप्त होता है जो ब्रश द्वारा विद्युत रोधी पट्टे पर स्प्रे होता है और रबर या रेशम के बेल्ट द्वारा ये ऊपर ले जाया जाता है, जहां जाकर ये पट्टा अपने आवेश को दूसरे चालक ब्रश को दे देता है और दूसरे चालक ब्रश के थ्रू ये धनावेशित खोल पर ट्रांसफर हो जाता है और खोल के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। तो ये इसकी वर्किंग है जो आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए। और सबसे खास बात ये है कि जब ये ऐसा होने लग जाता है तो एक आपका क्या कहें, एक जो है हम क्या कर सकते हैं कि इसकी सहायता से कई मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। 6 से 8 मिलियन वोल्ट मैंने लिखा भी है और ये आपकी बुक के अंदर लिखा है 6 से 8 मिलियन वोल्ट। और ये एक और मजेदार बात है कि ये क्या कर सकता है कि वायु का जो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे यहां आसपास की अगर मान लो वायु की बात करें तो वायु के विद्युत क्षेत्र को डिस्ट्रॉय करने लायक आपका जो है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इसकी सहायता से आप देखिए वायु की जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो इसकी सहायता से आप 3×10⁸ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और ये वायु की परावैद्युत सामर्थ्य को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, यूं कहे ध्वस्त कर सकता है। और आवेशित कणों को त्वरित करने के काम आने वाली बहुत जबरदस्त युक्ति है हमारी वान डी ग्राफ जनित्र या वान डी ग्राफ जनरेटर। तो हमने जो वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में समझा है उसको हमें तैयार करना है और ये वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में आप समझिएगा कि ये स्थिर वैद्युत आपका विभव या स्थिर वैद्युत विभवांतर को प्रदान करने वाली युक्ति है और ये स्थिर वैद्युत पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। स्टैटिक चार्ज ही यहां से आप क्या करेंगे, आवेश आपके इस तरीके से ये बाहरी गोले पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो हमने जो सीखा वो ये है कि इसमें एक विद्युत रोधी जिस तरीके से स्तंभ बने होते हैं, है ना, कई मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ है ना। देखिए शुरू शुरू में जो वान डी ग्राफ जनित्र बने थे वो तो स्टार्ट में तो उन्होंने एक छोटा सा बनाया था, लेकिन बाद में बहुत बड़े बड़े वान डी ग्राफ जनित्र बनने लगे, कई मीटर ऊंचे, बड़े और भारी। एक्चुअली इसी कारण शायद मेरे ख्याल से वान डी ग्राफ जनरेटर की जगह अब साइक्लोट्रॉन और उसके बाद में दूसरे और जो पार्टिकल एस्केलेटर है उनका उपयोग करने लगे, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा था, आकार में बहुत बड़े और भारी, खतरनाक। ये वान डी ग्राफ जनित्र के थोड़ी सी मैं
इसकी प्रॉब्लम बता रहा हूं कि कई मिलियन वोल्ट का विभवांतर है, सरफेस पर रहता है। तो ये क्या है कि बड़े हैं, भारी हैं, लाने ले जाने में असुविधा है ना। तो ये इसका एक बड़ा, इसकी एक प्रॉब्लम थी। तो इसमें मैंने आपको सिखाया कि इसके अंदर क्या है, यहां से आप बनाना शुरू कीजिएगा कि ये विद्युत रोधी स्तंभ है और विद्युत रोधी स्तंभ के ऊपर ये गोली चालक खोल या कोश इस तरीके से टिका रहता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये दो घिरनियां है जो धात्विक घिरनियां है, और ये आपका इस पर ये रबर या रेशम का बेल्ट चलता है, और ये नीचे वाली घिरनी को आप मोटर से चलाते हैं तो ये रबर या रेशम का बेल्ट इन दोनों घिरनियों के ऊपर इस तरीके से चलता रहता है, जैसे साइकिल के दो पहियों के लिए आपका चेन का यूज करते हैं उस तरीके से। और ये जो बेल्ट होता है ये आवेश को यहां से लाता है और ऊपर लाकर यहां दे देता है। और ये एक धात्विक ब्रश है, ये धात्विक ब्रश क्या करता है, जो भी स्रोत है धनावेश का उससे स्रोत से आवेश लेता है, और स्रोत से आवेश लेकर इस पट्टे पर, पट्टे को ट्रांसफर करता है, मतलब ये फुहार के रूप में एक, इसको कहते हैं फुहार ब्रश, है ना, स्प्रेइंग ब्रश है ना। तो ये फुहार के रूप में धनावेश को यहां से होते हुए ये आपके धनावेश यहां से चलेंगे। और ये वाला जो ऊपर वाला जो धात्विक ब्रश है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ब्रश, मतलब ये आवेश को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो ये संग्राहक ब्रश है जो आवेश को कलेक्ट कर लेता है। तो ये आपका फुहार ब्रश है और ये आपका संग्राहक ब्रश है ना। तो ये आवेश को स्प्रिंग ब्रश और ये कलेक्टिंग ब्रश जिसको आप कह सकते हैं, ये आवेश को कलेक्ट करता है। और यहाँ कई मिलियन वोल्ट का आपका जो है, क्योंकि जब ये आवेश आपका बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है तो इससे इसकी मदद से बहुत बड़ा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा और फिर आप कई मिलियन वोल्ट का इससे विभवांतर भी उत्पन्न कर सकते हैं। और वो जो आपका विभवांतर होगा वो भूमि के सापेक्ष होगा। तो यहां आप इसको भू संपर्कित एक धातु आधार बना दीजिएगा। तो इस तरीके से आप वांडीग्राफ जनरेटर का चित्र बनाकर बहुत अच्छे से आप वांडीग्राफ जनरेटर की वर्किंग को समझा सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये है कि वांडीग्राफ जनित्र क्या है, इसकी क्रियाविधि, नामांकित चित्र और उपयोग लिखिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।